हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट की थी। वो वाला इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस। कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में ये वाला ग्राफ भी ड्रॉ करने को आ जाता है, तो देखो किस तरह से बनता है। इस तरफ को हम इंटेंसिटी ले रहे हैं और इस तरफ को फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है, देखो इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच में। अब देखो ये जो आपके पास है, यहाँ पे मैक्सिमम है इंटेंसिटीज की वैल्यू और यहाँ पे क्या है, मिनिमम जीरो इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है। जहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मीन्स वहाँ पे क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे जीरो है, मिनिमम है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज, जिसे हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होती है, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, वहां पे क्या बनती है, डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब देखो अगर फेज डिफरेंस दो वेव्स के बीच में जो सुपरपोज कर रही हैं उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस कौन कौन सा है, अगर 2 पाई है फेज डिफरेंस, 4 पाई है और 6 पाई है, तो क्या बनती है आपके पास, ब्राइट फ्रिंज। देखो यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है ना, तो वहां पर क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। और अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या हो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से ऑड नंबर में, ठीक है, तो वहां पर क्या बनती है आपके पास, डार्क फ्रिंज बनती है, बिकॉज वहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। देखो ये वाली चीज हमने पहले भी करी हुई है, आपने ये वाला टॉपिक देखो, ये वाला किया था हमने, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें हमने फेज डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमने किया था, यहाँ पे उस वाले केस में फाई की वैल्यू क्या आई थी, देखो 0, 2 पाई, 4 पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स ब्राइट फ्रिंज, जहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो कब होगी, जब फेज डिफरेंस कितना होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई। तो देखो यहां पर भी वही है, देखो जब 0 था 2 पाई था फेज डिफरेंस, 4 पाई था, इस तरह से सो ऑन, 6 पाई, इसकी जनरल फॉर्म ये वाली थी। वहां पे क्या मिल रही है हमें, देखो इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम, है ना, क्लियर है। और उसी तरह से अगर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी, तो फेज की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू देखो क्या निकली थी, फाई की वैल्यू। किस किस एंगल पे होती है, उन दोनों वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई, वहां पे क्या बन रही थी आपके पास, डार्क फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी वहां पे, है ना। तो यहां पर भी देख लो, ये देखो पाई, जब फेज डिफरेंस पाई है, 3 पाई है, तो भी देखो डार्क फ्रिंज बन रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और देखो 5 पाई, इसकी जनरल फॉर्म ये वाली थी, है ना, ये चीज हम कर चुके हैं पहले, क्लियर, ये वाली चीज क्लियर होगी, ओके। हमने देखो ये वाली चीज भी डिस्कस कर ली थी पहले, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या आ रही थी, 4 आई, और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही थी, 0। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही थी, 4 आई। देखो इस तरह से ये वाला टॉपिक, जब हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो इसमें हमने देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए किया था, कॉस फाई की वैल्यू 1 पुट की थी, तो जो आई मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, 4 आई, है ना। और मिनिमम के लिए कितनी आ रही थी, देखो 0, आई मिनिमम 0 वैल्यू आई थी। तो देखो वही चीज है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, 4 आई, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये है और मिनिमम क्या है, 0, क्लियर। अब देखो एक और चीज हमने की थी, अगर हम किसकी बात करें, जब हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, जब हमने फ्रिंज विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो हमने किसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, फर्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज सेंटर वाली, सेंटर से जो फर्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसका डिस्टेंस, सेकेंड वाली ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, थर्ड वाली का, हमने वो चीज फाइंड आउट की थी, है ना। और फर्स्ट वाली जो आपके पास डार्क फ्रिंज बन रही है उसका डिस्टेंस सेंटर से, सेकंड वाली डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस, हमने वो चीज फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो देखो अगर ये वाला टॉपिक देखो, ये वाला फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस हमने लास्ट वाले में किया था, यहां पे हमने क्या निकाला था, यहां से फर्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, सेकंड वाली का, ठीक है, और उसे हमने नाम दिया था, देखो ये वाला एन इक्वल टू 1, तो वाई 1 की वैल्यू क्या आ रही थी, डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, है ना। तो जो फर्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होता है, डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। तो देखो यही चीज यहां पे है, ये देखो ये फर्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी, ये वाला, है ना। देखो वैसे तो
ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट वाली ये वाली है, पर इसे हम क्या देते हैं नाम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का, ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है और उसके बाद जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है वो ये वाली हम जो है इसको मानते हैं, क्लियर है, जब हमने एन की वैल्यू 1 पुट करी थी। तो ये वाली आपके पास आ गई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से, देखो ये वाला है ना विजिबल है आपको। उसके बाद देखो हमने सेकंड वाले के लिए फाइंड आउट की थी, सेकंड वाली ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना होता है सेंटर से, 2 कैपिटल D लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। तो देखो ये आपके पास फर्स्ट वाली बन रही थी, इसका डिस्टेंस ये था, और सेकंड वाली ब्राइट फ्रिंज देखो यहाँ पे बन रही है, ये है ना, तो इसका ये मैंने इधर देखो ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये वाली आपके पास क्या है सेकंड वाली ब्राइट फ्रिंज, इसका डिस्टेंस सेंटर से, फिर ये आपके पास थर्ड वाली 3D लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ये वाला क्लियर है। उसी तरह से हमने डार्क फ्रिंजिस का भी निकाला था, डार्क फ्रिंज का देखो जो आपके पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज है उसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2D, देखो ये वाली चीज, ये डार्क फ्रिंज के लिए था, डार्क फ्रिंज के लिए देखो आपके पास एन इक्वल टू 1 तो कैपिटल लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 2D, देखो यहां पे बन रही है डार्क फ्रिंज जो फर्स्ट बन रही है, और सेकंड वाली डार्क फ्रिंज देखो यहां बन रही है 3 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2D, ये सेकंड वाली डार्क फ्रिंज, और थर्ड वाली डार्क फ्रिंज कहां बन रही है 5 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2D, ये वाली ये यहां बन रही है ना, इनके डिस्टेंस अगर इस ये भी आपको ड्रॉ करें तो आप इस तरह से ये भी मे बी एग्जाम में इस तरह से पूछ लें है ना कि उनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ड्रॉ करो आप, तो किस तरह से बनाओगे ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, क्लियर। तो ये वाली देखो ये वाली जो है आपके पास ये क्या है, यहाँ पे आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस हैं ये वाली, ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंजेस हैं, और ये वाली कौन सी होगी आपके पास डार्क फ्रिंजेस, इस तरह से। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।